भरतनगर में एक वुमेन फैसिलिटेशन बूथ बनकर तैयार हो गया है। टोटल नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 11 ऐसे वुमेन फैसिलिटेशन बूथ बनकर तैयार किए गए हैं। इनका रंग गुलाबी रखा गया है क्योंकि एक ये कंफर्टिंग कलर होता है और महिलाओं के लिए अमूमन माना जाता है। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई भी घटना होती है और महिलाओं को शिकायत दर्ज करानी है तो यहाँ पे आप आराम से आ सकते हैं। आपके घरों को, पब्लिक प्लेसेस को, डिजिटल स्पेसेस को सुरक्षित बनाने के लिए ये मुहिम है ताकि जब भी महिलाओं को कोई भी प्रकार की परेशानी आए वो यहाँ पर आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। यहाँ पर महिलाएं ही महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैम, आपसे भी जान लेते हैं, कोई महिला यहाँ पर आए तो यहाँ पे महिलाएं ही हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर कार्य करेंगी? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाता है कि अगर हम थाने में जाते हैं तो जेंट्स होते हैं वहाँ पर, तो महिलाएं अपने खुल के बात नहीं कह पाती हैं, जो उनके साथ एक्चुअल में हुआ होता है वो नहीं बोल पाती हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा उनको कंफर्टेबल माहौल देना चाहते हैं। आप देख सकते हो पिंक तो गर्ल्स का फेवरेट होता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं जो खुल के अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और हम उनको सॉल्व कर सकें। देखिए, महिलाओं की साथ में ये पुलिस की कड़ी यहाँ पर बंध रही है कि वो यहाँ पर आए, एक कंफर्टिंग माहौल उनको इस बूथ में मिलेगा। इस तरीके के 11 और बूथ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं ताकि सीधा संवाद हो सके। ये जो भरतनगर का बूथ है ये सत्यवती कॉलेज के पास बनाया गया है। सबसे ज़्यादा खास जो है कि जहाँ पर भी हैवी फुटफॉल है, ज़्यादा लोग हैं या फिर सेंसिटिव इलाके हैं, उन इलाकों में इस तरीके के बूथ बनाए गए हैं ताकि आराम से कोई भी महिला के साथ में किसी भी प्रकार की घटना होती है तो तुरंत जाके शिकायत दर्ज कराई जा सके और आगे कार्यवाही हो सके और एक सुरक्षित देश हम बना सके। मेरे साथ पर इस पर बातचीत करने के लिए DCP उषा रंगनानी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इन टोटल कितने ऐसे बूथ इंस्टॉल किए गए हैं। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सभी थानों में एक बूथ एस्टैब्लिश किया गया है, यानी कि 1 ईच एंड ऑल पुलिस स्टेशन, तो 11 बूथ को इसे एस्टैब्लिश करा गया है। ये तेजस्विनी इनिशिएटिव के अंदर हमने लॉन्च करा था। जैसा कि आपने देखा था, हमने सभी थानों में एक डेडिकेटेड ऑल वुमेन बीट एस्टैब्लिश करी थी फॉर वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। तो उसी श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ते हुए ये वुमेन फैसिलिटेशन बूथ एस्टैब्लिश करे गए हैं। मैम, इसके अंदर क्या कुछ फैसिलिटी वुमेन को मिलेंगी और इससे समाज में कितना बदलाव आने की आपको उम्मीद है? देखिए, इन वुमेन फैसिलिटेशन बूथ में वुमेन पुलिसकर्मी रहेंगी, जो हमारी तेजस्विनी की टीम्स हैं, वो जो एरिया की वुमेन्स है, ये ज़्यादातर जैसे आप देखेंगे कि उन्हीं एरियाज़ में इंस्टॉल करे गए हैं जहाँ पे वुमेन फुटफॉल ज़्यादा है, जैसे स्कूल कॉलेजेस। जो प्रेजेंट जिस बूथ के आगे हम खड़े हैं वो भारत नगर के इलाके में, एक तरफ सत्यवती कॉलेज है और सामने इन्विटेशन मार्केट है, तो इन एरियाज़ में वुमेन का बहुत आवागमन रहता है। तो अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई अप्रत्याशित घटना होती है, कोई दुर्व्यवहार होता है या फिर कोई भी ऐसी कोई परेशानी है, कुछ लॉस्ट भी हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, तो ऐसे में अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एज वेल एज़ फैसिलिटेशन और गाइडेंस के लिए ये बूथ्स काम करेंगे और ये महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे इनको फैसिलिटेशन, गाइडेंस और काउंसलिंग देंगी। मैं इस वक्त देख सकती हूँ कि इनका रंग पिंक रखा गया है, गुलाबी रंगा गया है इनको, इसके पीछे खास विचार? गुलाबी जैसा कि ट्रेडिशनली एक फीमेल कलर माना जाता है, बट नॉट एग्जैक्टली फीमेल, पर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ और बड़ा ही सूदिंग सा कलर है, तो आई कैची भी होता है इसीलिए। तो अब नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमें गुलाबी रंगी नज़र आएगी और वो भी महिला सुरक्षा के लिए। ये एक प्रयास है कि महिलाओं को सुरक्षित बनाया जा सके, वो आराम से आएँ, अगर उनके साथ में कोई भी अप्रत्याशित घटना होती है तो ऐसे में आकर वो सीधा यहाँ फैसिलिटेशन बूथ से मदद ले सकती हैं। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ श्रुतिका, दिल्ली।